ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आइए देखते हैं प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत चंद्राकर से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में AIPC ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। AIPC है क्या, ये किस तरह वर्क करता है और आगे इसकी क्या कार्य नीति है, इसे लेकर ये हमसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सर मैं जानना चाहूंगी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ये है किस तरह का। जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार, जोहार है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का एक विंग है, एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट की शुरुआत इसकी संरचना इस विचार के द्वारा रखी गई थी कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो एक प्रोफेशनल्स का तबका होता है, उनके पॉलिटिकल वॉइस बनने के विचारधारा से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके चेयरमैन अभी माननीय डॉक्टर थरूर साहब हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके नेतृत्व में आज हमें 4 साल कंप्लीट हो गए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस को। ये कांग्रेस पार्टी का सबसे यंगेस्ट विभाग है और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि प्रोफेशनल्स की आवाज़ को जोड़ सकें, उनको जो जनरली पॉलिटिक्स में ज़्यादा समय नहीं दे पाते। अगर मैं आपको कहूँगा कि जैसे आप भी प्रोफेशनल हैं, आप न्यूज़ में हैं, मीडिया में, अगर मैं आपको कहूँगा मैम चलिए आज अपन को धरना देना है, तो आप अपना काम छोड़ के नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपके पास कई ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास कई ऐसे स्किल सेट्स हैं जिससे पार्टी को और इंटर्न देश को और समाज को फ़ायदा हो सकता है, तो वो आपके जो स्किल सेट्स हैं उनका यूज़ हो जाए। तो उसी के लिए AIPC की रचना की गई थी और आज की डेट में मैं इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ का। और फिलहाल तो प्रोफेशनल कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ में दखल रहा है वो पॉलिसी मैटर्स में ही रहा है। हम लोग ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मैनिफेस्टो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो हमने असम में मैनिफेस्टो के डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है जब असम के चुनाव थे, उसके बाद हम लोग उत्तराखंड गए थे, उसके बाद हिमाचल में भी हमारी थोड़ी बहुत भागीदारी थी। तो फिलहाल तो हम लोग मैनिफेस्टो डेवलपमेंट में पैन इंडिया दूसरे PCCs के साथ काम कर रहे हैं। अदरवाइज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में हम प्रोफेशनल्स की आवाज़ को, अलग अलग तबके के प्रोफेशनल्स की आवाज़ को कोशिश करते हैं कि जहाँ पे कोई अनजस्ट हो रहा है या कहीं पे उनकी कोई डिमांड है, रीजनेबल डिमांड है, तो उनको सरकार तक लेके जा पाए। तो हाल फिलहाल तो AIPC का यही काम। आपने बताया 4 साल हो गए इसके विस्तार को, जैसे छत्तीसगढ़ में इतना बहुत अल्प समय में ये काफ़ी डेवलप हुआ है और हर युवा की जुबान पर प्रोफेशनल कांग्रेस देखा जाता है, सुना भी जाता है, और देश के किन किन राज्यों में सक्रियता से ये कार्य कर रहा है। जी देखिए, थैंकफुली कि गिवन द फैक्ट दैट आई एम रिलेटेड टू ऑनरेबल CM सर, तो कहीं ना कहीं वो माइलेज मिल जाता है, मुझे उसका एडवांटेज मिल जाता है, ना चाहते हुए मिल जाता है। उसकी वजह से ये काफ़ी बिकॉज ऑफ दैट इसका पब्लिक फेस अच्छा रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि जनरली जब आप युवाओं से बात करेंगे, जैसे हमने अभी एक नया कैंपेन चालू किया है प्रोफेशनल्स ऑफ फ्यूचर करके, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में जाएँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में जाएँ, प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स के बीच में जाएँ, ताकि क्योंकि आने वाले समय के प्रोफेशनल्स वही हैं, तो अभी से उनसे जुड़ें, अभी से उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनके आकांक्षाओं को समझें, उनकी अपेक्षाओं को समझें, तो उससे क्या होता है आने वाले समय में उनके लिए एक हमसे जुड़ के रहना ईजी हो जाता है। तो फिलहाल इस टाइप की जब कैंपेन करते हैं और जब हम युवा पीढ़ी से इस बारे में बात करते हैं कि उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, राधा देन की मैं उनको भ्रमित करूं किसी धर्म के लिए या किसी और सुपरफिशियल एजेंडा के लिए, तो उसमें युवा जो है वो समझ जाता है। तो आज की डेट में वो ज़माना नहीं रहा जब आप युवाओं को भ्रमित करके चल सकते हैं। तो व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट सब्सटेंस, व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट देयर ओन फ्यूचर, दैट्स द टाइम व्हेन दे लुक अप टू यू एंड दैट्स द टाइम दे वांट टू कनेक्ट विद। युवाओं
युवाओं में कितना अवेयरनेस है? हालांकि सभी की जुबान पर तो है प्रोफेशनल कांग्रेस, अभी बीच में कला मंदिर में एक भव्य आयोजन भी किया था आप लोगों ने, युवा वर्ग स्टूडेंट काफी जुड़े भी थे, और अलग से उनमें कितनी अवेयरनेस है जो इसे जुड़कर वो रहना चाहते हैं? देखिए आई थिंक मुझे लगता है आपला शायद याद होगी कि हमन जुलाई में एक ठन प्रोग्राम करे रहे जिसमें रघुराम राजन जी जो पूर्व RBI गवर्नर रही से वो आए रही से, तो रघुराम राजन जी के आने से ये फायदा हो गई समझ लग कि वो न्यूज़ कवरेज जो अदरवाइज नहीं मिलती नेशनल हो या इंटरनेशनल मीडिया हो वो नहीं मिलती, वो उस न्यूज़ कवरेज की वजह से काफ़ी जो युवा हैं उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बारे में समझा, उन कई लोगों को पता नहीं था कि प्रोफेशनल कांग्रेस करके भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो जब उन्होंने पढ़ा और जब उनको ये पता चला कि इस टाइप के लोग, इस तबके के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस टाइप के विचारधारा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो लोगों के मन में एक इंटरेस्ट आया, एक रुचि आई। इसके अलावा फिलहाल अभी देखा जाए तो हम लोग एक एक्सपेंशन के मोड में चल रहे हैं, 13 चैप्टर्स हैं मेरे पास आज की डेट में छत्तीसगढ़ में, और इन द कमिंग फ्यूचर वी आर लुकिंग टू ऐड अनदर 4 चैप्टर्स, जिसमें कि रायपुर में चैप्टर्स डबल हो रहे हैं, भिलाई में भी चैप्टर्स डबल हो रहे हैं। प्रोफेशनल कांग्रेस के तहत राज्य के जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लोकल क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा देते हुए व्यापार व्यवसाय को फैलाया है, कई सारी योजनाएँ लागू की है। प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़कर क्या गरीब तबका, लोकल तबका जुड़कर फायदा पा सकता है, लाभान्वित हो सकता है? देखिए जैसे कि मैंने बात कही आपसे रघुराम राजन जी की, जो उनका जो विजिट हुआ था, जो हमने यहाँ पे सेमिनार करवाया था, उनका 2 दिन का सम्मेलन करवाया था, उससे एक बात तो उस समय साबित हो गई कि क्योंकि जब रघुराम राजन जी आए थे तो उन्होंने उनको अपार्ट फ्रॉम जस्ट द प्रोग्राम, हम उनको छत्तीसगढ़ में उनको थोड़ा भी घुमाया भी था, उनको गौठान भी दिखाया था, उनसे गोबर खरीदी से लेकर दूसरी योजनाओं तक की सबकी चर्चा की, तो उन्होंने इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस पब्लिकेशंस इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ की, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तारीफ करते हुए उन्होंने उसमें लिखा कि ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। जब इस लेवल का एंडोर्समेंट मिल जाता है आपको तो आपकी ताकत डबल हो जाती है, तो उसके बाद हमने कोशिश ये की कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के राउंड अबाउट बात करनी चालू करें, तो फिलहाल हम क्योंकि अभी चुनाव आने को है, चुनावी वर्ष है, तो फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ऑनरेबल भूपेश बघेल जी की जितनी पॉलिसीज हैं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसीज, जिनसे कि आने वाले बिजनेसमैन को या जो लेट्स से स्टार्टअप्स हैं या रीपा है या CSIDC की दूसरी पॉलिसीज है, उनको लेके हम यंग बच्चों के बीच में जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था प्रोफेशनल्स फॉर फ्यूचर करके एक इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसके तहत हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय ज़रूर होता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया है, तो उसका जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े, वो सामने फेस पे अपेरेंट हो, इसलिए हम वो पॉलिसीज़ को लेके जा रहे हैं। एक पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होती है जब जिसके लिए वो पॉलिसी डिज़ाइन की गई है या जो उसका जिसको उससे लाभ मिलेगा उसको उसके बारे में पता हो, उसके इन्स एंड आउट पता हो या उसकी लाभ कैसे लिया जाए उसका, उसको तकनीकी रास्ता पता हो, तो कल की डेट में, कल के दिन हम डोंडी लोहारा बालोद के अंदर हम लोगों ने 4 प्रोग्राम किए हैं बैक टू बैक, वैसे ही जहाँ जहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे जाके हम लोगों को बताते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश में ऐसा राज्य है जहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम है, क्या प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़कर जो थोड़ी बहुत भी बेरोजगारी है वो दूर की जा सकती है? जी देखिए, प्रोफेशनल कांग्रेस हम लोग पॉलिसी वाइज वी कैन मेक सजेशंस कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी अबंडेंस ऑफ जॉब्स, देयर विल बी अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मगर ये होगा कि हमारे लोग उसको किस तरीके से कैश करा पाए, किस तरीके से उसको यूज कर पाए, उस पे बात आएगी आगे चल के, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देखिए आज की रेट में जब हम छत्तीसगढ़ में आज जहाँ जिस दौर को देख रहे हैं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति का दौर हम देख रहे हैं और हम इसके साक्षी रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो बात करनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, ये इन इट सेल्फ इज़ अ गेम चेंजर। जब आप उस चर्चा में उस ग्रामीण ग्रामवासी को लेके आते हैं जो कि लास्ट माइल का रेसिपिएंट है,
तो अपने आप यहाँ पे डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। जब वो लाभ, उसको लाभ पहुँचने मिल जाता है, लाभ उस तक पहुँचने लगता है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट abundance of opportunities, not just unemployment going away, but we're talking about multitude of opportunities. क्षितिज सर, आप छत्तीसगढ़ी, जो हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा है, वो बहुत अच्छी बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया में हमारे ग्रैंड एशियन के दर्शकों को छोटा सा संदेश दें। जी, तो छत्तीसगढ़िया तो मैं हूँ, तो छत्तीसगढ़ी तो बोलूँ मैडम, छत्तीसगढ़ी मोर जवान है, मैं यहाँ के पैदा हूँ। तो ज़्यादा कहा बोलो, बस यही बोल सकता हूँ कि सब जन सुखी रहो और प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करो भाई, ऊपर ज़्यादा कहा बोलो। बाकी एक छत्तीसगढ़ी तो नहीं मैं बोलूँ, एक जो लाइन अभी जो चल रही है, जो छत्तीसगढ़ में जहाँ जाओ वहाँ सुनने मिलती है, कि ये खुशहाली है, अच्छाई है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और ये इसलिए है क्योंकि कका अभी ज़िंदा है। तो मैं इसके साथ शायद इसको समापन करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू, जोहार। तो ये थे क्षितिज चंद्राकर, AIPC के स्टेट प्रेसिडेंट। उन्होंने बताया कि ये किस तरह कार्य कर रही है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे जुड़कर किस तरह बढ़ावा मिलेगा, और राजनीति परिप्रेक्ष्य से हटकर ये कार्य कर रहा है, ये एक बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। नमस्कार।